हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है टोटल धमाल। इस फिल्म को वैसे धमाल 3 नाम से भी जाना जाता है। तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूं। फिल्म के स्टार, का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3, ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने। और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था। और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी, वो कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी, अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है। और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी। वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी। और एक दो दूसरी फिल्म थी, रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है, फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डायरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डायरेक्टर है। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्स स्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्स स्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई के.के. नाखरा ने, एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशनी ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने हैं। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश, जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और ललन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डू और जॉनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर का देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्टनर था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिन्नप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है। वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायज़ादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कूदता है वो कूद जाता है, जो फायर और ललन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते, इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई और कोलैबोरेशन 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फोक्सस्टार स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड, मंगलमूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थी 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को। फोक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पर मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटना घटी थी। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। IMDb पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था। और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए Disney+ Hotstar वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और Blu-ray प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको Disney+ Hotstar के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Disney+ Hotstar के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली Disney+ Hotstar OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3, ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी, और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने। और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था, और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी वो, कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है। और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी। वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी, और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है, फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डायरेक्ट करेंगे, जो इस फिल्म के भी डायरेक्टर है। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्स स्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्स स्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई के.के. नाखरा ने, एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशनी ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामापा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जॉनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश, जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे, जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया हुआ है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे, जो एक पुलिस कमिश्नर है, जो गुड्डू और जॉनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था, जो डॉन का पार्टनर था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है, जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे, जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा, जो प्राची का एक पेट मंकी है। वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में, जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद जाता है, जो फायर और लल्लन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते। इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई एक और कोलैबोरेशन, 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फोस्टर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड, मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा, जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा, जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ थे 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को पॉपस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए थे, जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी, जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी। जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। IMDb पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था। और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए Disney+ हॉटस्टार वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और Blu-ray प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको Disney+ हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Disney+ हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली Disney+ हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3, ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने। और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था। और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी, वो कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी, अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है। और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी। वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी। और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है, फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डायरेक्ट करेंगे, जो इस फिल्म के भी डायरेक्टर हैं। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्स स्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्स स्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई के.के. नाखरा ने, एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशनी ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामापा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने हैं। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश, जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देश बंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे, जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे, जो एक पुलिस कमिश्नर है, जो गुड्डू और जोनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था, जो डॉन का था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है, जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिन्नप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे, जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा, जो प्राची का एक पेट मंकी है। वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में, जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद जाता है, जो फायर और लल्लन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए, वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते। इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो 2 धमाल है उसमें काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई और कोलैबोरेशन, 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड, मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहाँ पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थी 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को। फॉक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे, जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी, जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज पे इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी। जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और ब्लूराय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था। और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी वो, कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए। और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी, अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है। और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी। वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी। और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है, फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डिरेक्ट करेंगे, जो इस फिल्म के भी डिरेक्टर है। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्स स्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्स स्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई के.के. नाखरा ने, एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशनी ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामापा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने हैं। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जॉनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश, जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे, जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया हुआ है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे, जो एक पुलिस कमिश्नर है, जो गुड्डू और जॉनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था, जो डॉन का पार्टनर था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है, जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे, जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा, जो प्राची का एक पेट मंकी है। वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में, जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद जाता है, जो फायर और लल्लन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते। इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई और कोलैबोरेशन 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फोक्सस्टार स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड, मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थी 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को। फोक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी। जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। IMDb पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और ब्लूराय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3, ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने। और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था, और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी वो, कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है। और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी, वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी। और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है, फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डायरेक्ट करेंगे, जो इस फिल्म के भी डायरेक्टर है। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्स स्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्स स्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई K.K. नाखरा ने, एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशनी ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामापा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने हैं। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश, जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देश बंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डू और जोनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्टनर था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिन्नप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है। वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायज़ादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद जाता है, जो फायर और लल्लन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते। इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई और कोलैबोरेशन 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फोक्सस्टार स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड, मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स से वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थी 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को। फोक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पर मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज पे इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी। जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। IMDb पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई, 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था। और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था, जहां पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और ब्लूराय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3, ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी, और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने। और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था, और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी वो, कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है। और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी, वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी। और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है, फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डायरेक्ट करेंगे, जो इस फिल्म के भी डायरेक्टर है। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्स स्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्स स्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुए के.के. नाखरा ने, एडिटिंग की हुए धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशनी ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामापा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने हैं। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जॉनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश, जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे, जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया हुआ है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे, जो एक पुलिस कमिश्नर है, जो गुड्डू और जॉनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था, जो डॉन का पार्टनर था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है, जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे, जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा, जो प्राची का एक पेट मंकी है। वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में, जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद जाता है, जो फायर और लल्लन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते। इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई एक और कोलैबोरेशन, 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फोस्टर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड, मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा, जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा, जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थी 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को फॉक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए थे, जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी, जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन्स पे तो एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी। जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। IMDb पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था। और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए Disney+ हॉटस्टार वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और Blu-ray प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको Disney+ हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Disney+ हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली Disney+ हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3, ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी, और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने। और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था। और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी, वो कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है। और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी, वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी। और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है, फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डायरेक्ट करेंगे, जो इस फिल्म के भी डायरेक्टर है। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्स स्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्स स्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई के.के. नाखरा ने, एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशनी ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामापा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने हैं। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश, जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देश बंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे, जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे, जो एक पुलिस कमिश्नर है, जो गुड्डू और जोनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था, जो डॉन का था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है, जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिन्नप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे, जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा, जो प्राची का एक पेट मंकी है। वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में, जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद जाता है, जो फायर और लल्लन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए, वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते। इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो 2 धमाल है उसमें काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था। मई 2017 में। अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई और कोलैबोरेशन 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फोक्सस्टार स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थी 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को। फोक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे, जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी, जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पर मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज पे इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी। जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और ब्लूराय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, एवरीथिंग विद सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का टीवी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते, इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई और कोलैबोरेशन, सॉरी 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फॉक्सस्टार स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड, मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहाँ पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थी 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को। फॉक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे, जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी, जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पर मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन VFX का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे UA सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी। जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। IMDb पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सेटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और ब्लूराय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3, ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने। और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी वो, कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी, अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी। वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है, फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डायरेक्ट करेंगे, जो इस फिल्म के भी डायरेक्टर है। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन एफ फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्सस्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्सस्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई के.के. नाखरा ने, एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशनी ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने हैं। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जॉनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश, जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे, जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे, जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डू और जॉनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर के देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्टनर था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है, जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे, जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा, जो प्राची का एक पेट मंकी है। वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायज़ादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में, जो बिल्डिंग से कूदता है वो कूद जाता है, जो फायर और लल्लन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते। इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो 2 धमाल है उसमें काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई और कोलैबोरेशन 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फॉक्सस्टार स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड, मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा, जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा, जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थे 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को। फॉक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे, जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी, जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटना घटी थी। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। IMDb पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई, 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था। और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए Disney+ Hotstar वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और Blu-ray प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको Disney+ Hotstar के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Disney+ Hotstar के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली Disney+ Hotstar OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3, ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी, और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने। और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था, और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी वो, कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है। और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी, वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी। और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डायरेक्ट करेंगे, जो इस फिल्म के भी डायरेक्टर है। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्स स्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्स स्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुए के.के. नाखरा ने, एडिटिंग की हुए धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशिन ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामापा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने हैं। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जॉनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे, जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे, जो एक पुलिस कमिश्नर है, जो गुड्डू और जॉनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था, जो डॉन का पार्टनर था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है, जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे, जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा, जो प्राची का एक पेट मंकी है। वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में, जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद जाता है, जो फायर और लल्लन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए, वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते। इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई एक और कोलैबोरेशन, 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फॉक्सस्टार स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड, मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा, जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा, जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थी 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर, तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को। फॉक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे, जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी, जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पर मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी। जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। IMDb पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था। और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सेटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए Disney+ हॉटस्टार वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और Blu-ray प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको Disney+ हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Disney+ हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली Disney+ हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3, ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी, और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने। और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मैड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था। और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी वो, कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है। और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी, वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी। और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है, फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डायरेक्ट करेंगे, जो इस फिल्म के भी डायरेक्टर है। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्सस्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्सस्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई के.के. नाखरा ने, एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशनी ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने हैं। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश, जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे, जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया हुआ है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे, जो एक पुलिस कमिश्नर है, जो गुड्डू और जॉनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था, जो डॉन का पार्टनर था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है, जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे, जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा, जो प्राची का एक पेट मंकी है। वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में, जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद जाता है, जो फायर और लल्लन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए, वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते। इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो 2 धमाल है उसमें काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था। मई 2017 में। अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई और कोलैबोरेशन 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फॉक्सस्टार स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थी 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को। फॉक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे, जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी, जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पर मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी। जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और ब्लूराय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3, ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी, और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने। और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था, और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी, वो कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी, अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है। और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी, वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी, और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी, वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी। लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है, फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डायरेक्ट करेंगे, जो इस फिल्म के भी डायरेक्टर है। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन एफ फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्स स्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्स स्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई के.के. नाखरा ने, एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशनी ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामापा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जॉनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश, जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे, जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे, जो एक पुलिस कमिश्नर है, जो गुड्डू और जॉनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था, जो डॉन का पार्टनर था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है, जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे, जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा, जो प्राची का एक पेट मंकी है, वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायज़ादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाले एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कूदता है वो कूद जाता है, जो फायर और लल्लन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको GPS यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते। इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई और कोलैबोरेशन 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फोक्सस्टार स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड, मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थे 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को। फोक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पर मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी। जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। IMDb पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और ब्लूराय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 ये एक धमाल सीरीज़ की तीसरा पार्ट है। इससे पहले धमाल आई थी, उसके बाद में धमाल 2 आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल। तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंद्रा कुमार ने। और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी, अमेरिकन फिल्म थी, वो कॉमेडी ड्रामा, रोड कॉमेडी ड्रामा, तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी, अमेरिकन फिल्म, वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल 3 का निर्माण किया हुआ है। इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी, वो 1963 की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल इसको इंडियनाइज वर्जन किया हुआ है। हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है, फुल ऑन धमाल, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको इंद्रा कुमार ही डायरेक्ट करेंगे, जो इस फिल्म के भी डायरेक्टर है। स्टोरी आइडिया उनका था, लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश, पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है। टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन, अशोक तानकेरिया, इंद्रा कुमार, मार्कंड अधिकारी और आनंद पंडित ने, जिनको अजय देवगन एफ फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स, फॉक्सस्टार स्टूडियो, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्सस्टार स्टूडियो ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई के.के. नाखरा ने, एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 127 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशनी ने, बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप शिरोडकर ने। इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारेगामा ने खरीदे हुए। फिल्म में टोटल 4 गाने हैं। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोगी के रोल में। दूसरा रोल है अनिल कपूर का, जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है। गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है। वहीं पे अविनाश, जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का, वो एक बिजनेसमैन है। माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी, यानी कि बिंदु पटेल के रोल में, जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फायर ऑफिसर है। अरशद वारसी आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी, जिन्होंने प्राची मल्होत्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है। संजय मिश्रा को जॉनी डिकोस्टा का रोल दिया गया था, जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है। पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और ललन का साइड किक है। जॉनी लीवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है, ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है। बोमन ईरानी आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डू और जोनी को पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है। विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में, जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्टनर था। मनोज पाहवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोनी का एक फॉर्मर पार्टनर है। इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए। अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में, जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है। वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है। वहीं पे सुदेश लहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है। निहारिका रायज़ादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कूदता है वो कूद जाता है, जो फायर और ललन भाई के 2 लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है। जैकी श्रॉफ आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी। सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते। इससे पहले रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो 2 धमाल है उसमें काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी 7 सालों के बाद कोई और कोलैबोरेशन 17 सालों के बाद ये कोलैबोरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का। ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी, उनको जून 2018 को साइन किया गया था। लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फॉक्सस्टार स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था। पेन इंडिया लिमिटेड, मंगल मूर्ति फिल्म्स बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को। शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर का सुनने को मिलेगा। वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए, जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है। फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा ने गानों के लिरिक्स लिखे हुए। इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था। तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए। चौथा गाना है थीम सॉन्ग। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ थे 13 मिनट 25 सेकंड, जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017-18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। 22 फरवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक 90 करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को। फॉक्सस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी। इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज़ फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बज़ अच्छा खासा था, जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले, जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन 3700 स्क्रीन्स मिले हुए थे। वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म को 786 स्क्रीन्स मिले हुए थे। टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया, जहाँ पे जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से 127 मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का, जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज करने वाले थे, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया था। वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को। इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटना घटी थी। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था। IMDb पे इस फिल्म को करीबन 4.2 की रेटिंग हासिल हुई, 10 में से करीबन 7300 वोट मिले हुए, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था। और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था, जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से, जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन था वो 182 करोड़ 9 लाख का निकल के आया हुआ था। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन 46 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 228 करोड़ 27 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। अब बात करें इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए Disney+ Hotstar वालों ने। वहीं पे इस फिल्म को DVD और Blu-ray प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था। फिलहाल में ये फिल्म आपको Disney+ Hotstar के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। आपको लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Disney+ Hotstar के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है, तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली Disney+ Hotstar OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, विदाउट लॉगिन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विथ इंग्लिश सबटाइटल। वहीं पे इस फिल्म का TV प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बस गाइज, इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने कहानी के ऊपर चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके दी हुई है। स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दी हुई है। इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे वो भी मैंने शेयर कर दिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।